नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लैब और मैं हूं विशाल रंजन। जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे कि मौसम का जो मिजाज है बदला हुआ है और ठंड काफ़ी बढ़ी हुई है। जैसे कि अभी हम बख्तियारपुर क्षेत्र में हैं, बख्तियारपुर क्षेत्र में अभी का वर्तमान का टेम्परेचर 11 से 16 के बीच का अभी एवरेज आ रहा है। इसी कड़ाके की ठंड में जो हमारे राज्य के मुखिया और राज्य के आला अधिकारी कहते हैं, बड़ी बड़ी बातें किया करते हैं कि आम आवाम के लिए अलाव की व्यवस्था की गई है, आम आवाम के लिए रैन बसेरा की व्यवस्था की गई है, चाहे वो नगर परिषद क्षेत्र हो या नगर निगम क्षेत्र हो। लेकिन आज हम बख्तियारपुर नगर परिषद क्षेत्र का में हैं। अभी हम दिखाएंगे कि कुछ लोग यहाँ के नागरिक से भी जानेंगे, इधर टेम्पू है, टेम्पू वाला भी है बैठा हुआ, टेम्पू वाला से भी जानेंगे कि क्या है अभी टेम्परेचर और ये लोग यहाँ से कड़ाके की ठंड में चद्दर ओढ़ के बैठे हुआ। अरे ठंड पड़ रही है, ठंड पड़ रही है। आप बताओ, कुछ आग की व्यवस्था है आपके यहाँ? आग का व्यवस्था है, अलाव का व्यवस्था, अलाव मतलब नगर द्वारा अलाव का व्यवस्था, आग जलाने का व्यवस्था ठंड से बचाव के लिए किया गया है? बताइए, बोलने में क्यों हिचकिचा रहे हैं? व्यवस्था किया गया है, आग का व्यवस्था नहीं ना किया गया है? तो आप देखिए कैसे टेम्पो चालक तो और कुछ नागरिक छोटी छोटी आगे 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 जल रही है, छोटी छोटी लकड़ियों को जोड़ कर इधर लगता है आग का व्यवस्था है। अरे भाई, ये ठंड में ये आग कैसे जोड़ रहा है? कैसे कैसे व्यवस्था ये आग का किया गया? अपने कहाँ से ला दी? भाई का कृपा है, उसी का कोई था, उठा के चला रहे हैं। नगर के द्वारा किया गया कुछ अलग? नगर के द्वारा कुछ व्यवस्था किया गया है? कोई व्यवस्था नहीं, अलाव उलाव का व्यवस्था? कोई अलाव का व्यवस्था नहीं है। अच्छा, एक और भाई है इधर, इधर 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 आइए, इधर आइए, इधर आइए। एक एक भाई और है जो इससे पूछेगा, अलाव का व्यवस्था नगर क्षेत्र में किया गया है? के व्यवस्था किया गया नहीं, यहाँ कुछ नहीं है। ठंड में देख रहे हैं कि अपने कुछ व्यवस्था करके आदमी गुजारा कर रहा है, जो भी थोड़ा बहुत मिल रहा है। नगर चालक के तरफ से कुछ नहीं किया गया, ठंड तो देख रहे हैं कितना काफी है। सर सर ठीक है। और एक युवा साथी है, क्या नाम हुआ सर आपका? विकास जी, आग का मजा ले रहे हैं आप? ये आग का व्यवस्था लगता है कोई लड़का लोग अपना सब तोड़ता है। क्या लगता है जो सरकार के तरफ से और आला अधिकारियों के तरफ से बड़ी बड़ी बात कही जाती है कि अलाव की व्यवस्था कर रहे हैं, रैन बसेरा की व्यवस्था कर, क्या आपको, आप भी नगर परिषद क्षेत्र बख्तियारपुर का नागरिक है, जी क्या लगता है, है कुछ उस तरह का व्यवस्था? नहीं, ऐसा तो यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग आग वगैरह का व्यवस्था करके दिए हैं, यहाँ कितने गरीब लोग भी मर रहे थे, सारे हम लोग का पूरा ग्रुप लोग के पास जाकर आग लोग वगैरह का व्यवस्था करवा रहे हैं, गांव-गांव शहर-शहर जाकर ये सब। ये लोग कौन लोग कर रहा है? ये जो अपना युवा साथी लोग, ये सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं, और अपना युवा साथी लोग पूरा सहयोग इसमें अभी किए हुए हैं, पर सरकार की तरफ से कुछ भी ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। बहुत ठंड है आज, आज तो आप जान ही रहे हैं, सरस्वती पूजा भी कल से आने वाले हैं, और आज इतना ठंड, लोग बहुत ही परेशान हैं, और बारिश भी हो रहा है, गरीब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, तो उन लोगों को हम लोग भी जाकर हेल्प करने का पूरा कोशिश भी कर रहे हैं। बाद में तो ये जो आला अधिकारी और जो सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो कहते हैं कि हमें लाभ की व्यवस्था किया, हमने रैन बसेरा की व्यवस्था किया, क्या कहीं एक भी आपको नज़र आया बख्तियारपुर नगर परिषद क्षेत्र में कहीं रैन बसेरा या अलाव की कोई ऐसी व्यवस्था? कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर सब लोग सरकार लोग सोए हुए हैं ठंडा में, कोई ऐसा व्यवस्था। तो अब तक के लिए इतना है, तमाम खबरों के साथ बने रहे रब्जी लाइव के साथ।